हाई एवरी वन गुड आफ्टरनून नमस्कार सत श्रीकाल सलामकुम आई होप यू आर ऑल वेल्थ फाइन हेल्दी सेफ एंड आर सिटिंग एट यूर होम्स यस गुड टू हैव एंड एवरी वन ऑफ यू गाइज हाई रमेश गुड टू हैव यू गाइज आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन यहाँ पर हम जी आई एफ को एक और लेवल ऊपर करने वाले हैं अगेन आई विल नॉट से दैट दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ जी आई एफ बट येस पिछले वाले में हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस किए थे डिस्कस बेसिक प्रॉपर्टीज की थी डिस्कस आज उन्हीं प्रॉपर्टीज से uh, कुछ और क्वेश्चंस कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एंड एक सेशन और लूंगा मैं जिसमें अल्टीमेट लेवल आप करेंगे गॉट इट हाई एवरी वन गुड टू हैव यू गाइज गुड टू हैव यू गुड टू हैव ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैसे हैं सब लोग कैसे हो बच्चों कैसे हो बच्चों आई होप यूर वेल यस सुपर हाई आर गदीप हावई यू गुड टू हैव यू So guys, those who do not know me, I am Abhay I have done my engineering from IIT Roorkee, been teaching for the last 11 years now. I have produced some wonderful ranks in IIT Jai and uh, also in Olympiads and one of my students has also represented India in European Girls Mathematics Olympiads. So good to have each and every one of you. I hope you are all excited for the session today. Yes, 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 superb, superb. So guys, one more thing which uh, I am round because... Uh, वी वर गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की सर फ्रेश बैचिज एंड वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ वेदांतो ओलंपिक स्कूल बैचेज एंड दिस इज अ गोल्डन अपर्चुनिटी वी आर लॉन्चिंग फ्रेश बैचेज वेरी सून द प्लान इज ऑलरेडी मेड इट इल इट विल बी आउट वेरी सून सो मे बी इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते में मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ वट द डिटेल्स ऑफ द बैचिस द विच आर टू बी लॉन्च एंड दोज हु वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द बैचेज दोज हू मिस द अर्लियर बस दे कैन तुम्हें क्या करना पड़ेगा यू हैव टू फिल इन दिस गूगल फॉर्म सो दिस गूगल फॉर्म वी डी एन टी डॉट इन स्लैश वी ओ एस मैथ इसको तुम्हें फिल करना है इसको तुम्हें फिल करना है और जैसे ही तुम इसको फिल कर लोगे तो आर टीम विल गेट इन टच विद यू एज सुन एज द बैचिज आर लॉन्च एंड विल गेट यू एनरोल्ड इन टू दो बैचिज सो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड एंड यहाँ पर इस गूगल फॉर्म को फिल करो बिकॉज दोबारा से ऐसा ना हो कि यार दोबारा से यू मिस द बस बिकॉज अगर एक महीने बाद भी अगर तुम जगते हो तो बहुत ज्यादा सिलेबस निकल जाएगा सो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू यू नो टू फिल इन दिस फॉर्म सो दैट जैसे ही नए बैचिस पर्टिकुलरली फॉर दोज हुर नॉट द पार्ट ऑफ दिस बैचिज राइट सो जैसे ही बैचिस हम लॉन्च करेंगे यू कैन यू विल बी इंटीमेटेड वेल बिफोर गॉट इट हाय एवरी वन हाय रवि हाय देवम हाय आयुषी हाय सोनाली हाव यू फंक्शनल इक्वेशन्स बच्चे सुनाली फंक्शनल इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर आर एम ओ एंड इनमो सो आर एम ओ इनमो के लिए बिल्कुल फंक्शनल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बट प्री आर एम ओ के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट बेसिक जितना रिक्वायर्ड है वो हम uh, इसी सीरीज uh, के अंदर चलाएंगे डोंट वरी अबाउट इट वेदांतू ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा यार बच्चा इसके लिए तो तुम्हें वी केयर uh, टीम को कॉन्टेक्ट uh, करना पड़ेगा बिकॉज आई आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा से कोशिश करो आई आम आम वेरी श्योर सुपर व आयुषी ग्रेट ग्रेट सो गज बाकी भी कुछ इंफॉर्मेशन वी आर लॉन्चिंग सम माइक्रो कोर्सेज फॉर क्लास फिफ्थ एंड सिक्स एंड द माइक्रो कोर्सेज फॉर रुपीज़ वन तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये भी क्यों रखा है तुमने इसको भी हटा देते But, uh, uh, students, हैं बट वी वॉन्टेड दो स्टूडेंट्स जो एक्चुअली में सीरियस हैं टू बी पार्ट ऑफ दिस तो थोड़ा बहुत एफर्ट तो मारना पड़ेगा बॉस बिकॉज द आइडिया बच्चे द एम द मिशन इज

तो बच्चों को फिफ्थ सिक्स क्लास से पकड़ना पड़ेगा ऐसा नहीं हम बोल रहे कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे या फिर उनका उनके खेलने का टाइम खत्म कर देंगे ऐसा नहीं होने वाला बट येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओरिएंट द स्टूडेंट्स कम से कम ओरिएंट करना उस तरफ शुरू कर देंगे फिफ्थ सिक्स क्लास से सो दैट वेन दे टर्न टू क्लास एट और नाइन्थ हम उसके ऊपर पूरी फोर्स के साथ मेहनत करके यू नो उनक उनको उनको पूरी स्किल्स उनके साथ होन करके विल विल मेक दम रिप्रेजेंट इंडिया सो दिस इज़ द एम yes yes singularity there will बी अ न्यू बैच एंड also फॉर क्लास सेवेंथ एंड एट दिस इज ऑल्सो माइक्रो कोर्स गाइज जो सेवंथ और एट्थ क्लास के बच्चों के लिए है एंड इसमें थोड़ा सा प्राइस है बिकॉज इसमें थोड़ा सा कॉन्टेंट काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है एंड अलॉट ऑफ टीचर्स आर पोटिंग इन अ लॉर्ड ऑफ एफर्ट्स ऑफ दिस इन इन टू दिस माइक्रो कोर्सेज सो इफ यू हैव सिबलिंग्स इन क्लास सेवंथ एंड एट इफ और इफ यू आर इन क्लास सेवंथ एंड एट एंड स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ यू एस बचेज सो दिस इज वन माइक्रो कोर्स और इसके बारे में डिटेल्स और ऑल गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स चलो गाइस एंड दिस इज वन मोर थिंग दिस इज वन मोर थिंग सो हम फ्रेश बात लॉन्च करने वाले हैं वो तो मैंने बता दिया बट उसके साथ ये भी अभी लॉन्च किया है इसका पहला टेस्ट ये क्या है बच्चे दिस इज वेदांतो ओलंपियाड विजर्ड ऑल इंडिया प्री आर एम मॉक टेस्ट सीरीज सो ए आई पी आर एम टी सीरीज राइट सो इसके अंदर क्या करेंगे हर मंथ एवरी मंथ वी विल बी कंडक्टिंग एन ऑल इंडिया टेस्ट दैट टेस्ट विल बी गिवन बाय आर स्टूडेंट्स

कि व्हाट इज योर प्रिपरेशन लेवल किस तरीके से और मेहनत करनी है कहां पर तुम स्टैंड कर रहे हो इंडिया लेवल पे सो दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू बिकॉज इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सो वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहां पर वी ओ डब्ल्यू का एक लिंक दिया होगा वी डी एन टी स्लैश वी ओ डब्ल्यू प्री आर एम ओ ट्वेंटी ट्वेंटी वन इसका एक लिंक दिया होगा यू नीड टू क्लिक ऑन दैट लिंक और जैसे तुम तो उस लिंक को क्लिक करते हो करोगे टेक यू टू अ पेज यहां पर तुम्हें बाय नो करना है बाय नो इज फॉर जीरो रुपीज जो इट विल नॉट बी चार्जिंग एनी रुपीज फ्रॉम यू एंड विल ऑटोमेटिकली गेट एंड रोल इसका पहला टेस्ट बच्चे कल है संडे एंड टेस्ट भी हमने क्या किया सिंस टेस्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट पहला टेस्ट वी कैप्ट विंडो फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है वी नो दैट कि ये, ये संडे वाला दिन बहुत सारे बच्चों के लिए ऑलरेडी यू ना कमिटमेंट भरा होता है बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं टेस्ट दे रहे होते हैं या कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं सो दो द टाइमिंग कल संडे को दो बजे से लेके मंडे को दो बजे तक सो एनी थ्री आवर्स तो तुम कोई भी तीन घंटे का विंडो उठाओ चूज करो एंड वहां पर आराम से शुद्ध से शांति से सारे के सारे क्वेश्चंस कम से कम देखो एंड इट इज ओके टू स्कोर जीरो गाइस इट इज ओके टू स्कोर जीरो इन दिस टेस्ट द फैक्ट दैट यू हैव चोजन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग इसका मतलब यू ऑलरेडी विनर्स बिकॉज ये जो बच्चे प्री आर का एग्जाम है ना डिफिकल्टी वाइज इट इज मोर डिफिकल्ट देन जे ई ई एडवांस आई एम टॉकिंग प्योरली इन टर्म्स ऑफ द एवरेज मार्क्स जितने बच्चों के एवरेज मार्क्स आते हैं सिर्फ उसकी टर्म्स में बात कर रहा हूँ सो जेई एडवांस के जो एवरेज मार्क्स हैं वो ज्यादा होते हैं इसमें प्री आर एम एम जो एवरेज मार्क्स होते हैं परसेंटेज वाइज वो काफ़ी कम होते हैं सो अगेन दिस इज मोर डिफिकल्ट देन जे ई ई एडवांस सो सो यू कैन सी कि इट इज ओके टू स्कोर लेस मार्क्स कैस हमें बस अपनी मेहनत करते रहना है और आगे कभी ना कभी बढ़िया होता रहेगा गॉट इट एवरी वन यस उट वेरी सुन जैसे हम लॉन्च करेंगे आई गिव यू डिटेल्स डोंट वरी अब सुपर सुपर एंड दिस इज आर सोशल मीडिया हैंडल सो दिस इज इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम में अगर तुम हो तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो बिकॉज यहाँ की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम हम भेजते रहते हैं बच्चों को देते रहते हैं एंड जो भी तुम्हारे नए एग्ज़ाम्स होंगे ओलम्पिक्स के एग्जाम्स होंगे टेस्ट होंगे हमारे नए बैचेस का अनाउंसमेंट होगा वो वो यहाँ पर हम सबसे पहले भेजें भेजेंगे सो इफ़ यू आर इन एनी ऑफ दीज हैंडल्स इफ़ योर पेरेंट्स आर इन इन एनी ऑफ दीज हैंडल्स यू कैन आस्क योर पेरेंट्स और योर सेल्फ टू टू फॉलो दिस गॉट इट गॉट इट गॉट इट सो कैज दिस इज़ माई यूट्यूब स्कैड्यूल सो एवरी ट्यूजडे एवरी थर्सडे एवरी सैटरडे हर रोज बारह बजे ये टाइम चार बजे था we conducted a poll. lot of students said 12 so we shifted the time uh, to, to to the afternoon. and after some time, and and maybe this is maybe because kiboshar bhat, chutian, schools. and as soon as the chutian gets over, the holidays get over, we will again conduct a poll. and if whatever you people choose, whether it is, you know, 4 to 5 or late evening, we'll, we'll get back to that timings all right guys all right and this is how you can get into touch with me abhay86mahajan is my telegram id and the content as always is being created by has been created by sahil Dindasar, who is from nit krukshetra and uh, he has four years of teaching experience and he's working really 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 hard to bring some awesome questions like these uh, uh, to you guys all right guys so let us get started let us get started शुरू करते हैं बच्चे शुरू करते हैं शुरू करते हैं प्लीज मेक अ वीडियो ऑन रूटीन फॉर जई आस्पीरियंट्स एंड शेयोर एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपरेशन सुश सोनी बच्चे आई एम ऑलरेडी गिवन अ लॉट ऑफ टिप्स ऑन जेई नॉट ऑन दिस चैनल बट ऑन वेदांतु मैथ्स चैनल तो वहाँ पर तुम फॉलो कर सकते हो वहाँ uh, वहाँ की टिप्स फॉलो कर सकते हो दिस इज प्योरली फॉर ओलंपियड्स सो लेट लेटस कीप दिस ओनली फॉर ओलंपियड्स ठीक है दैट इज़ फॉर जेई सो वो वहाँ पर सिर्फ जय की डिस्कशन होगा ऑल राइट गाइज ज दी से सम ऑफ द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर आई होप यू रू रिमेंबर दिस सो एक्स एनी नंबर कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड इट फ्रैशनल पार्ट किसी भी नंबर को उसके ग्रेटेस्ट इंटीजियर उसके फ्रैशनल पार्ट के सम में लिख सकते हैं द सेकेंड इज जिंफ ऑफ एक्स प्लस एन इज जीफ ऑफ एक्स प्लस एन यहाँ पर पेन का जरूरत पड़ेगा तो मैं पेन को एक्टिवेट करता हूँ सो एन अगर इंटीजर है एन अगर इंटीजर है तो एन जिफ से बाहर निकल जाता है फॉर एग्जाम्पल जिफ ऑफ एक्स प्लस टू विल बी जिफ ऑफ एक्स प्लस टू जिफ ऑफ एक्स माइनस फोर विल बी जिफ ऑफ एक्स माइनस फोर आई होप दिस इज क्लियर सिमिलरली यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में अगर एन है बचे तो so एन बाहर जाके अंडा शून्य बन जाता है फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस थ्री विल बी फेमस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फोर विल बी सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सो जस्ट यू कैन राइट ऑन दीज एग्जाम्पल्सो सो दैट ये चीज़ है तुम्हारे दिमाग में रहे वेरीफाईलो यू कैन वेरीफाई थ्री प्लस पॉइंट वन इज का फैशनल पार्ट एज सेम एज पॉइंट वन का फ्रैक्शनल पार्ट सो अगेन तुम वेरीफाई भी कर सकते हो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट विल बी यूज इन टू डेज सेशन सो अगेन मेरा मकसद मेरा धर्म यह बनता था दैट तुम लोगों को इनसे अवगत करवा दूँ

नोटेड एवरी वन एवरी वन प्लीज़ जैसे ही नोट कर लोगे बच्चे फटाफट फड़ से मुझे बता देना सर नोटेड जैसे ही नोट कर लोगे फटाफट फड़ से बता देना सर नोटेड रवि मैंने बताया बच्चे प्राइस है स्टिल नॉट बी डिसाइडेड अभी डिसाइड करना है बट इट विल बी वेरी लो मतलब अगर होगा होगा ज़रूर ये भी पक्का है बट इट विल बी वेरी लो यू नो इन अराउंड थाउजेंड मैक्सिमम थाउजेंड इससे ज़्यादा नहीं तो थाउजेंड रुपीज़ फॉर द एंटायर कोर्स अर्ष सिंह प्लीज लॉन्च द बैच फॉर एसओ एफ आई एम एप एस एफ आई एम एप क्लास टेंथ का बैच लॉन्च करवाओगे तुम्हें हम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गाइज प्लीज नोटेड डाउन एंड लेट्स राइट नोटेड अगर नोट कर लिया ये तीन पॉइंट इफ यू नोटेड दीज पॉइंट प्लीज लेट पी नो ऑन द चार्टॉक्स सर नोटेड सो देट आई कैन मूव फॉरवर्ड एवरी वन एवरी वन एवरी वन नोटेड 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 यस सुपर

ऑल राइट सो लेट एस डू दिस क्वेश्चन दिस इज वेरी सिंपल वेरी सिंपल सो वेरी सिंपल क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ थोड़ा सा वॉर्म अप कर लेते हैं उसके बाद थोड़े थोड़े लेवल अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे सो वाई इज इक्वल टू टू जीफ ऑफ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री जीफ ऑफ एक्स माइनस टू प्लस फाइव द फाइंड द वैल्यू ऑफ जीफ ऑफ एक्स प्लस फाइव सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस आई वॉन्ट समू समू टेल मी देंसर टू दिस सम ऑफ यू टू आंसर दिस गाइज कहां से फंक्शनल इक्वेशन सो नाली बच है डोंट फरी अबाउट फंक्शनल इक्वेशन सो फंक्शनल इक्वेश बेसिक तुम जेई का अगर तुम पढ़ रहे हो फंक्शनल इक्वेशन तो वो कर सकते हो अदरवाइज आई लल शेयर सम बुक्स विद यू यू कैन कनेक्ट मी ओवर टेलीग्राम एंड वहां पर मैं तुम्हें कुछ बुक्स शेयर कर दूंगा फॉर फंक्शनल इक्वेशन बट इफ यू हैव प्री कॉलेज मैथमेटिक्स वहां पर बेसिक फंक्शनल इक्वेशन तो दिया ही हुआ है यू कैन फॉलो दैट चलो गाइज फर एफ फर्ट्स एवरी वन

लेट अस इक्वेट दीज टू लेट अस ये हो क्या रहा है भाई हो क्या रहा है सो टू टाइम्स जिफ ऑफ एक्स प्लस इज इक्वल टू थ्री टाइम्स जिफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस फाइव यहां से जिफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा जिफ ऑफ एक्स का वैल्यू बच्चे आ जाएगा फोर डू यू ऑल अग्री डू यू ऑल अग्री जिफ ऑफ एक्स का वैल्यू फोर आने वाला है डू यू ऑल अग्री का इज जिफ ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी फाइव फोर एग्जैक्टली इसका मतलब मेरे बच्चे फोर इज लेस दैन इक्वल टू एक्स इज लेस एन फाइव एक्स का वैल्यू फोर से फाइव के बीच में है. एक्स का वैल्यू फोर से फाइव के बीच में नाउ वट इज द वैल्यू ऑफ वाई दैट व्यर गेटिंग अगर ये फोर है बच्चे तो वाई का वैल्यू यहां पुट कर दो so, y? Y 4, 3, मतलब 11, मतलब so, तो वट इज द वैल्यू ऑफ वाई विल बी टू इंटू फोर प्लस थ्री मतलब कि ग्यारह मतलब कि ग्यारह सो वाई का वैल्यू तो परफेक्ट इलेवन है एक्स का वैल्यू फोर से फाइव के बीच में घूम रहा है सो so, कहने से एक्स अगर फोर से फाइव के बीच में घूम रहा है तो एक्स प्लस वाई वाई तो इलेवन है दोनों तरफ इलेवन ऐड कर दो so, ये पंद्रह से सोलह के बीच में घूमेगा सो so, अगर ये 15 से 16 के बीच में घूमेगा तो बच्चों x प्लस वाई का जिफ्ट कितना होगा इट विल बी वन फाइव फिफ्टीन इट विल बी वन फाइव फिफ्टीन डेड यू ऑल गेट दिस डिड यू ऑल गेट दिस एग्जैक्टली मिश्रा जी सुपर सुपर अभिदीप अमेजिंग डिड यू ऑल गेट दिस गाइज डिड यू ऑल गेट दिस समझ में आ गया समझ में आ गया एवरी वन डिड यू ऑल गेट दिस गिव मी गिमू ऑन द बॉक्स फटाफट से फटाफट से गाइज गिम ऑन द चार्ट बॉक्स डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस डेड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस गिव मे यू ऑन द चार्टॉक्स फटाफट से मेरा एन एस सी डी एस का फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्टे तो सीमा ऑल द बेस्ट बचे मेक इट काउंट मेक इट काउंट अगर लास्ट अटेम्प्ट तो एवरी वन गेड यू ऑल अंडरस्टैंड येजिंग अमेजिंग अमेजिंग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया Can we move forward? Are we all ready for the next question, guys? So this is a warm up question. This was pretty simple. Simple से property जो थी ये वाली g of x plus n इगुलो g of x plus n. तो अगेन ये एक warm up question था. Are we ready for the actual level up? Are we ready for the actual level up? Ravi बच्चे gaf के बारे में मैंने already इस channel के अंदर बताया हुआ है. तो first class already ले ली हुई है. And अगर तुमने gaf नहीं पढ़ा हुआ तो do attend that class. After that class you can attend this. Got it? चलो गाइज चलो सो लेट लेटस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज विच इज दिस सो दिस इज अगेन अ रियली कूल क्वेश्चन अ वेरी कूल क्वेश्चन लेट लेटस सी इफ यर एबल टू क्रैक दिस ये किस क्लास के लिए ये बच्चे एथ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ आठवीं से बारहवीं तक सब कक्षाओं के लिए सो गाइज फटाफट से सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स वाईज द फॉलोइंगवेशन सो लेट लेटस रीड द क्वेश्चन इक्वेशन केयरफुली So, x plus gif of y plus fractional part of z is 3.1. Fractional part of x plus y plus gif of z is 4.3. And gif of x plus fractional part of y plus z is equal to 5.4, where this denotes the gif and this denotes the fractional part function. So, solve the system. So, this is a superb question, guys. Superb question. Amazing question, this is. Let us see how do we do this. बजे हमें पता है यार एक्स का वैल्यू ना जिफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है जिफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है गॉटरेट सो व्हाट वी डू एस वॉट वी डू एज लेटस एड दी थ्री इक्वेशन सो लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर थ्री सो लेट एस एड दी थ्री इक्वेशन सो वन प्लस टू प्लस थ्री सो वन प्लस टू प्लस थ्री एक और दो और तीन को एड करते हैं अब देखो बच्चों कितना कितना अल्टीमेट कि चीज है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ऑफ़ एक्स बोल सकता हूं वाला चीज मिला के एक्स हो जाएगा मिला के वाई हो जाएगा दोबारा सो वाई प्लस वाई इज गोइंग टू बी टू वाई और पार्ट ऑफ एक्स एक्सड इज गोइंग टू बी जेड प्लस टू बी टू बी कितना फोर फाइव सिक्स सेवन एट Point, और यहां पे पांच चार नौ तीन बारह तो यहां से बचा एक्स प्लस जेड का वैल्यू ना सिक्स पॉइंट फोर हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यूज कम आउट टू बी सिक्स पॉइंट फोर बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्स वाई जेड किस तरीके से निकालें एक्स वाई जेड किस तरीके से निकालें वो सोचना है वो देखना है

दिस इज सेवन पॉइंट फोर यहां पर देखो बचे एक्स और वाई प्लस जेड सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज सिक्स पॉइंट फोर बोल सकता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस जिफ ऑफ वाई इज इक्वल टू सेवन पॉइंट फोर माइनस सिक्स पॉइंट फोर एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी वन दिस इज कमिंग आउट टू बी वन तो यहां से दूसरी और पहली और दो इक्वेशन को एड करके क्या मिल गया हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस जिफ ऑफ एक्स एज कम आउट टू बी वन अब मेरे बच्चों एक चीज़ और जानने की जरूरत है कि ये वाला जो वैल्यू होती है ना दिस ऑलवेज लाइज बिटवीन जीरो टू वन इसका वैल्यू हमेशा जीरो से वन के बीच में होता है वी ऑल नो दिस सो सोच के बताओ और ये चीज़ हमेशा इंटीजर होती है तो एक इंटीजर और एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू वन है वन परफेक्ट वन तो बच्चे ये इंटीजर है और ये हमेशा जीरो से वन के बीच में है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यार ये तभी पॉसिबल है जब ये वन होगा और ये पक्का से जीरो होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो आ गया जिफ ऑफ वाई वन आ गया सो दिस इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव अपार्ट फ्रॉम दिस समझ में आ गई है थर्ड को भी एड करते हैं सिमिलरली जैसे ही हम सेकंड और थर्ड को एड करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस जिफ ऑफ एक्स दिस बिकम्स एक्स दिस बिकम्स एक्स प्लस वाई प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई सॉरी प्लस जिफ ऑफ जेड प्लस जेड प्लस जिफ ऑफ जेड प्लस जेड इज कमिंग आउट टू बी ये वाली कितना आ रहा है बच्चे 9.7 पॉइंट सेवन नाइन पॉइंट सेवन उसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हटा दो तो जिफ ऑफ जेड प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई इज 9.7 पॉइंट सेवन माइनस सिक्स पॉइंट फोर सो नाइन पॉइंट सेवन में से सिक्स पॉइंट फोर हटा दो तो सिक्स पॉइंट फोर थ्री पॉइंट थ्री आ गया सिमिलर सेम आर्गूमेंट एक इंटीजर और एक फ्रैक्शनल पार्ट जिसका वैल्यू हमेशा जीरो से वन के बीच में होता है उसका सम थ्री पॉइंट थ्री है तो कैन ए से दिस इज ओनली पॉसिबल वेन दिस इज दिस इज थ्री वेन दिस इज थ्री जब बच्चे इसका वैल्यू थ्री है और इसका वैल्यू पॉइंट थ्री है एक और इंफॉर्मेशन मिल गई सिमिलरली तीसरी इंफॉर्मेशन के लिए तीसरे इंफॉर्मेशन के लिए हम बच्चे क्या करेंगे वन और थ्री को ऐड करेंगे वन और थ्री को ऐड करेंगे सो लेट अस ऐड वन प्लस थ्री प्लस थ्री सो पहली और तीसरी को ऐड किया, सो so, पहली और तीसरी फर्स्ट और थर्ड एक्स प्लस एंड फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जेड प्लस फर्स्ट और थर्ड को जैसे ही ऐड किया बच्चे दिस बिकम्स कितना एट पॉइंट फाइव एट पॉइंट फाइव एट पॉइंट फाइव बन गया सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दोबारा पुट कर दो विच इज सिक्स पॉइंट फोर तो जिफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जेड बिकम्स 8.5 पॉइंट फाइव माइनस सिक्स पॉइंट फोर सो एट पॉइंट फाइव में से बचा सिक्स हटा दो सो दिस बिकम्स बॉइंट वन अगर ये दोबारा टू पॉइंट वन है तो यहां से दोबारा सेम इंफॉर्मेशन एक इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू टू पॉइंट वन है सो दिसंट वन एंड वी आर डन एंड वी आर डन कैसे तो बचा एक्स का वैल्यू क्या होगा एक्स का वैल्यू जिफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स

एन टू प्लस एफ टू सो वेर एन वन इज जिफ ऑफ एक्स एंड एफ वन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सिमिलरली एन टू इज जिफ ऑफ वाई एंड एफ टू इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई ठीक है सो एक्स को हमने एन वन प्लस एफ वन मान लिया एक्स एन वाई को हमने एन टू प्लस एफ टू मान लिया ना गाइज लेफ्ट हैंड साइड देखो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्टाइड सो इफ ए लुक एट दी लेफ्टो लेफ्टाइड क्या जिफ ऑफ एक्स प्लस वाई मतलब की एन वन प्लस एफ वन प्लस एन टू प्लस एफ टू प्लस एफ टू सो कहने से यहां पर एन वन और एन टू इंटीजर्स हैं और हमें यह तो पता ही है कि जिफ ऑफ एक्स प्लस एन जो होता है दिस इज ऑफ एक्स एक्सप्रेसिंग दिस इज जिफ ऑफ एक्सप्रेसिंग यहां से एन वन प्लस एन टू बाहर आ गया यहां से एन वन प्लस एन टू बाहर आ गया बिकॉज एन वन प्लस एन टू तो इन है प्लस जिफ ऑफ एफ वन प्लस एफ टू जिफ ऑफ एफ वन प्लस एफ टू ना वी ऑल्सो नो दैट गाइज वी ऑल्सो नो दैट कि एफ वन जो है वो हमेशा जीरो से वन के बीच में है एफ टू जो है वो हमेशा जीरो से वन के बीच में है तो जीरो टू एफ वन प्लस एफ टू इज लेस देन टू सो जिफ ऑफ एफ वन प्लस एफ टू का वैल्यू बचा यहाँ तो जीरो होगा या वन होगा बिकॉज एफ वन प्लस एफ टू का वैल्यू जीरो से टू के बीच में लाइक करता है तो जेफ ऑफ एफ वन प्लस एफ टू या तो जीरो होगा या वन होगा डू यू ऑल अग्री इंटीजर्स ही हो सकता है ना वैल्यू इसकी जीरो से टू के बीच में लाइक कर रही है तो ये वाला वैल्यू या तो जीरो होगा या फिर वन होगा वेरी ऑब्वियस तो बच्चे जैसे ही ये जैसे ही ये जीरो और वन आया तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेफिनेटली एन वन प्लस एन टू बिकॉज ये वाला वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला या तो जीरो होगा या वन होगा अगर जीरो होगा तो इक्वल टू हो जाएगा वन होगा तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो गया सो बोल सकते हैं कि एन वन इज जिफ ऑफ एक्स प्लस एन टू इज जेफ ऑफ वाई सो हमने ये प्रूफ कर दिया हमने प्रूफ कर दिया दैट जिफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जिफ ऑफ एक्स प्लस जिफ ऑफ इसको कराने का पर्पज बच्चे एक ही है कि इसको ना याद करना है इसको याद करना है वी नीड टू रिमेंबर दिस

अगर प्री आर की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की हुई तो इलेवेंथ वालों को सिर्फ जेई पर ध्यान देना चाहिए जेई के साथ बोर्ड्स अगर जेई अच्छा है तो बोर्ड्स अपने आप अच्छा होगा हो ही होगा ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होता जिसका जेई अच्छा होता है बट बोर्ड्स खराब होता है ऐसा सिंगल एक भी ऐसा बच्चा नहीं है ठीक है so, सो जेई पर ध्यान दो जेई को अच्छा करोगे तो बोर्ड्स अपने आप हो अच्छा होगा जेई अच्छा करोगे तो मोस्ट लाइकली प्री आर भी क्लियर हो जाएगा सो so, जस्ट फोकस ऑन जेई गोटेड गोटेड ऑल राइट गाइस सो लेट एस लुक एट the second problem the second problem again a very super identity second problem second problem dekhte hain pen change kar lete hain to second problem ko bachay iske bajaye hum kis form mein likhenge j of x plus 1 by 2 plus जेफ of x is equal to जेफ of टू एक्स जेफ ऑफ टू एक्स इस तरीके से देखते हैं. इसको उधर लेगा जेफा ऑफ एक्सप्लेस ऑफ प्लस जीफ ऑफ एक्स इज इक्लो टू एक्स अगेन सुपर आइडेंटिटी दिस इज गाइड दिस इज अगेन अ वेरी सुपर आइडेंटिटी यू नीड टू रिमेंबर दिस इज वेल ये दोनों आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवाए हैं बिकॉज ताकि मैं इसका प्रूफ करूँ और तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं इसे चले जाए कि यार इस चीज को याद रखना है सो जेफा ऑफ एक्सप्रेस आफ प्लस जीफ ऑफ एक्स इज इक्लो जेफ ऑफ टू एक्स इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी होता है जिसको हम इसके बाद इसको करने के बाद करते हैं सो बच्चे हाउ डू आई प्रूव दिस मैं किस तरीके से वैल्यू ना जीरो से पॉइंट फाइव इससे फायदा क्या हुआ देखो एक्स का वैल्यू जीरो से पॉइंट फाइव है तो लेफ्ट कितनी है लेफ्ट हैंड साइड सो साइड विल बी एन प्लस एफ प्लस पॉइंट फाइव प्लस वन बाय टू प्लस जिफ ऑफ एन प्लस एफ जिफ ऑफ एन प्लस एफ ठीक है विद जिसका वैल्यू एन अब बच्चे एन तो बाहर आ गया प्लस जिफ ऑफ एफ प्लस हाफ प्लस ये हो सकता है एन दिस इज एन ओनली बिकॉज जिफ ऑफ एक्स इज एन सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड सो so, बोल सकता हूं कि बार ये वाला वैल्यू तो जीरो होगा बिकॉज एफ इज जीरो से पॉइंट फाइव अगर एफ का वैल्यू बचे जीरो से पॉइंट फाइव के बीच में है तो उसमें कर देंगे तो वन को क्रॉस तो नहीं करेगा तो वन को क्रॉस अगर नहीं करेगा तो दिस वैल्यू विल बी जीरो सो दिस विल बी इक्वल टू एंड राइट हैंड साइड में भी देखो राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड सो राइट हैंड साइड अगर देखें टू एक्स कहने से दिस इज टू एन प्लस टू एफ तो भैया टू एन तो बाहर आ गया प्लस जीफ ऑफ टू एफ अब एफ अगर पॉइंट फाइव से छोटा है तो टू एफ का वैल्यू भी टू एफ का वैल्यू भी जीरो से वन के बीच में होगा टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो अगर ये जीरो से वन के बीच में तो ये जीरो होगा सो टू एन का वैल्यू टू एन के इक्वल है सो दिस इज द फर्स्ट केस अगर एफ का वैल्यू जीरो से पॉइंट फाइव के बीच में है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रही है सो अगेन ये दोनों इक्वल है अगर एफ का वैल्यू मेरे बच्चों पॉइंट फाइव से वन के बीच में है दूसरा केस एफ का वैल्यू लेट मी रब दिस इसको खत्म कर देते हैं यहां देखो स्पेस का कमी है बच्चे बट दिल खोले रखना एफ का वैल्यू सेकेंड केस एफ एस ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉइंट फाइव लेस देन वन ग्रेटर देन इक्वल टू पॉइंट फाइव लेस देन इक्वल टू वन ओके सो पॉइंट फाइव लेस देन इक्वल टू एफ लेस देन वन सो अगर एफ ये है तो लेफ्ट हैंड साइड देखो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट देखो सो so एन प्लस एफ प्लस हाफ प्लस एन तो बी एन प्लस जिफ ऑफ एफ प्लस हाफ प्लस एन सो बच्चे अगर एफ पॉइंट फाइव से वन के बीच में तो बोल सकते हैं कि इसमें .5 करो. अगर मैं .5 करो तो ये वाला वाले वन हो जाएगा सो लेफ्टी टू एन प्लस वन लेफ्टिल भी टू एंड प्लस वन और अगर मैं यहीं पर राइट हैंड साइड देखता हूं राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड विल बी जिफ ऑफ टू एन प्लस टू एफ टू एन तो बाहर आ गया प्लस टू एफ f का वैल्यू अगर 0.5 से 1 है तो 2f का वैल्यू 1 से 2 के बीच में 2f का वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में तो जेफ 1 होगा सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 12 प्लस 1 तो दोनों दोबारा बराबर है सो वी हैव चेक फॉर ईच एंड एवरी केस f 0.5 से 1 के बीच में था उसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर है और f 0.5 से 1 के बीच में है तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है इसका मतलब यह चीज हमेशा ट्रू है डिड यू ऑल गेट दिस गाइस डिड यू ऑल गेट दिस यस ऑन नॉन द चैट बॉक्स

So, जिफ बच्चे अगर जीरो है या फिर वन है जिफ अगर जीरो है या फिर वन है तो ये वाला वैल्यू दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इधर जीरो और वन सो अगर जीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड एन वन प्लस एन टू की इक्वल होगी एंड अगर वन है तो लेफ्ट हैंड साइड एन वन प्लस एन टू प्लस वन की इक्वल होगी बट इन बोथ द केसेस कैन से दैट दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस वन गॉटेड गॉटेड आर एन यस आर एन डिड यू ऑल गेट दिस इन एवरी वन एल्स ठीक है ठीक है ठीक है And I hope second is also clear the second is also clear got it chalo चलो hai है दोबारा से main बता रहा hu So हमने क्या किया do cases ले liye We took two cases. We took two cases. अगर j of x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हाफ से छोटा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हाफ से बड़ा है ठीक है सो बेसिकली वॉट द second सेज इट सेज ऑफ एक्स प्लस plus ऑफ एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू to ऑफ टू एक्स तो यू नीड टू रिमेंबर दिस यू नीड टू रिमेंबर दिस इसको याद रखना यू नीड टू रिमेंबर दिस गाइस ऑलवेज विल यू रिमेंबर दिस विल यू रिमेंबर दिस गॉट इट, गॉट एड गॉटेड एवरी वन यस, एक और चीज बचे एक और चीज इसमें ना इसका एक दूसरा फॉर्म है वेरी सुपर फॉर्म क्या करते हैं एक्स को ना एक्स बाय टू से रिप्लेस कर देते हैं दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स हमेशा ट्रू है ये तो हमने प्रूव कर ही दिया कि हमेशा ट्रू है लेटेस रिप्लेस दिस एक्स बायू से रिप्लेस कर देते हैं सो वॉट डू वी गेट वी गेट जिफ ऑफ एक्स बाय टू प्लस जिफ ऑफ एक्स बाय टू प्लस हाफ तो जिफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू एक्स को एक्स बाय टू सेम थिंग

थोड़ी देर के बाद कुछ क्वेश्चन के बाद इसको हम यूज करने वाले हैं। फिर मत बोलना सर, ये कहां से आ गया सो जस्ट नोटेड एंड दिस और ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है कैसे एक्स को ना एक्स बाय से रिप्लेस कर दिया बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स हमेशा ही ट्रू है ये सो so, एक्स को एक्स बाय से रिप्लेस कर दो बच्चों तो ये चीज बन जाएगी ये बन जाएगी एक्स को एन मान लो एक्स अगर इंटीजियर है एन है तो अगेन जिफ ऑफ एक्स विल बी एन तो दिस वॉट इट विल बीकम गॉट इट एवरी वन यस नो गॉट एवरी वन ये सो नो फटाफट से डिड यू ऑल गेट दिसाफट से इफ यू हैव एनी अदर डाउट लेट मी नो नाउ बिकॉज इसके बाद हम यूज करने वाले हैं इसको डिड यू ऑल गेट दिस एट आंसर ये सो नो एवरी वन ऑन द चार्ट बॉक्स गोट एड गोटेड गोट एड गायस सो नो ऑन द चार्टॉक्स अरे भाई समझ में आ गया सबको मुझे लग नहीं रहा मुझे लग रहा है कि आज लेवल अप कुछ ज्यादा ही लेवल अप हो गया <laughs> लेवल अप कुछ ज्यादा ही लेवल अप हो गया गॉट इट सुपर चलो गाइज दिस इज़ वन इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू बिफोर वी स्टार्ट अदर क्वेश्चन सो योगा डे इज कमिंग एंड वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ दिस डे का बिकॉज ये जो देन है वो भारत की देन है पूरे पूरे वर्ल्ड को एंड आज इस दिन सिर्फ भारत नहीं सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड बिकॉज द होल वर्ल्ड नोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा नाउ विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया राइट सो द होल वर्ल्ड सेलिब्रेट्स योगा डे and we have some special event coming up on, on uh, 21st of june so stay tuned and follow us right so very special uh, event is coming up uh, for you guys for, for your family for you guys uh, on yoga day so just uh, keep tuned and uh, we we'll, will bringing something very special on this particular day all right guys so let us do this let us do this isko karthe एन और जिफ ऑफ एन एग्जैक्टली सेम है ना मैमने वहां पर बोला इफ इफ एक्स इज इंटीजर अगर एक्स इंटीजर है अगर एक्स इंटीजर है लेट से इंटीजर को एन मान लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है ना कि जिफ ऑफ एक्स का वैल्यू एन हो जाएगा तो इसलिए मैंने यहां पे जिफ ऑफ एक्स को एन लिख दिया सो एन इज इक्वल टू अगर एन इंटीजर है दिस इज इक्वल टू जिफ ऑफ एन बाई टू प्लस एन प्लस वन बाई टू यह इसका भी मॉडिफाइड वर्जन है ऊपर वाले का भी मॉडिफाइड वर्जन इज दिस सो अगर x इंटीजर है विच इज इक्वल टू n, एन जिफ बी n ओनली राइट सो n बाइ टू का जेफ प्लस एन प्लस वन बाय टू का जिफ विवल टू n. सो दिस इज वॉट इट इज गॉट इट आर एन यस सुपर ऑल इट मूविंग ऑन एंड लेट एस डू दिस क्वेश्चन फाइंड ऑफ दल दॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए ए बिलोंग्स टू वन टू फाइव हंड्रेड ए का वन से फाइव हंड्रेड के बीच में जितनी भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज है ए बिलोंग कर रहे बच्चे वन से पांच सौ पांच सौ के बीच में फॉर विच जिफ एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस ए इज इक्लू जीरो हैज अ सोल्यूशन इसका सोल्यूशन है अब अच्छा देखो कितना सुपर ऑसम क्वेश्चन है जेफ ऑफ एक्स क्यूब जिफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इसका सोल्यूशन है अब समझो इस चीज को दैट ये चीज इज एन इंटीजर एक्स कुछ भी हो जेफ ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी एन इंटीजर उसका होल क्यूब इज गोइंग टू बेन इंटीजर क्वेश्चन में क्या पूछा दैट ए का इंटेग्रल वैल्यू इसका मतलब ए भी इंटीजर है इसका मतलब ए भी इंटीजर है तो बच्चे अगर ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है तो बोल सकता हूं ओवरऑल सम भी इंटीजर है सो कैन से दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स इज एन इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर कैन एस दैट कैन से दैट सो जिफ ऑफ एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो जिफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इंटीजर तो उसका होल क्यूब इंटीजर होगा क्वेश्चन में ए इंटीजर पूछा हुआ तो ए इंटीजर है इसका मतलब बच्चे अगर तीनों का सम या प्रोडक्ट डिफरेंस जीरो है तो ये इंटीजर ये इंटीजर तो इसको भी भाई जीरो इंटीजर होना ही पड़ेगा ना सो एक्स इज एन इंटीजर सो बच्चे अगर एक्स इंटीजर है तो बोल सकता हूं कि अगर एक्स इंटीजर है तो जेफ ऑफ एक्स इज सेम एज एक्स ओनली एक्स इंटीजर है जेफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स है सो कैन कहने से कैन कहने से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा इट विल बी इट विल बी एक्स प्लस एक्स क्यूब वेयर एक्स इज एन इंटीजर, वेयर एक्स इज एन इंटीजर। x एक्स का वैल्यू इंटीजर है ए का वैल्यू हमेशा एक्स प्लस एक्स क्यूब की फॉर्म का होगा इज दिस क्लियर नाउ द क्वेश्चन इज ए की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, ए वन से फाइव हंड्रेड के बीच में एक्स एंटीजर है तो भैया ए अगर वन से फाइव के बीच में तो एक्स का वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकता एक्स कर्नोट भी जीरो बिकॉज एक्स जीरो हो तो ए जीरो हो गया एक्स तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो एक्स को धीरे धीरे बढ़ाते हैं सो so, एक्स को अगर वन पुट करेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा वन प्लस वन क्यूब एक्स को टू पुट करेंगे सो so ए का वैल्यू कितना हो जाएगा टू प्लस टू क्यूब यह सारी वैल्यूज ऐड करते रहेंगे बिकॉज वी नीड टू एड ऑल दीज वैल्यूज अब लास्ट वैल्यू कितनी होगी लास्ट वैल्यू कहां तक जाएगा ये बच्चा देखो सेवन क्यूब इज थ्री फोर्टी थ्री एट क्यूब इज फाइव वन टू सो बच्चा बहुत क्लियरली ये एक्स का वैल्यू एट तो नहीं हो सकता एक्स का वैल्यू सेवन तक ही जाएगा अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास आंसर निकालने के वन एस एक्स को वन पुट करो टू पुट करो थ्री पुट करो फोर पुट करो फाइव पुट करो सिक्स पुट करो सेवन पुट करो और एड कर दो सबको समझ रहे हो एक्स को वन पुट किया ए का वैल्यू टू आ गया एक्स को टू पुट किया ये आ गया टेन एक्स को थ्री पुट किया ए का वैल्यू आ गया थ्री प्लस थ्री क्यू मतलब कि थर्टी मतलब कि थर्टी एक्स को फोर पुट किया x को 5 पुट किया 6 पुट किया 7 पुट किया ये वैल्यूज को ऐड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा दूसरा तरीका दूसरा तरीका देखो समझो कितना आसान है a इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स नंबर टू कहने से मुझे सिग्मा a निकालना है या सिग्मा ए आई निकालना है सिग्मा ए आई निकालना तो यहां पे सिग्मा लगा दो बेसिकली मुझे निकालना क्या वन प्लस वन क्यूब प्लस टू प्लस टू क्यूब प्लस थ्री प्लस थ्री क्यूब अपू सेवन प्लस सेवन क्यूब ना समझ रहे हो तो ये बोल सकते हैं ये सिग्मा ही है और सिग्मा एक्स क्या होता है बच्चे दिस इज एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू एंड दिस इज एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर का होल तो स्क्वायर और यहाँ पर एन का वैल्यू ना सेवन है तो सेवन इंटू एट बाय टू प्लस सेवन इंटू एट बाय टू का होल स्क्वायर तो यह हो गया भैया अट्ठाइस

ठीक है तो ये अगर ये फॉर्मले पता है सिग्मा एक्स के सिग्मा एक्स वेरी इजी टू यू नो फाइंड आउट दीस तो फटाफट फड़ से व्हाट इज आंसर दैट यू गेटिंग सो इट इज एट वन टू एज टोल्ड बाय प्रथ्युराज प्रतिषराज प्रतिषराज सुपर गॉट इट एवरी वन यस नो ऑन दार्ट बॉक्स गाइज गॉट इट एवरी वन हाउ इज एक्स इन टीचर सो बच्चा देखो एक्स इंटीजर कैसे है x इंटीजर कैसे आया एक्स मान लेते हैं इंटीजर नहीं है मान लेते हैं x नहीं है सो so, बोल सकते हैं x अगर नहीं है, तो of x तो हो ही होगा of x is ऑफ एक्स इज डेफिनेटली टू बी Do इंटीजर डू agree? जिफ ऑफ एक्स अगर इंटीजर है, है तो दिस पोर्शन इज इंटीजर गॉट इट ऑल्सो ए इज गोइंग टू बी एन इंटीजर

तो ए का वैल्यू कितना हो गया एक्स प्लस एक्सक्यूब आई होप दिस इज क्लियर टू नो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नो गॉट इट 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 गॉट 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 बच्चे यस गॉटेड यस 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 मनोज बच्चे मॉडल्स पे भी लूंगा अच्छे मॉडल्स पे एंड लॉग पे भी लूंगा लॉग एंड मॉडल वो विल बी कवर्ड डोंट वरी ऑल राइट गाइज आई होप दिस इज क्लियर सो एट वन टू इज द राइट आंसर आई होप यू एंजॉयड दिस गॉट इट चलो बच्चों लेटस डो दिस लेटस डो दिस सो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन दिस इज क्वाइट सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल गाइस घबराना नहीं है जेफ ऑफ एक्स घबराना नहीं है इट विल टेस्ट योर कॉन्सेप्ट तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा कैन यू टेल मी गाइस कैन यू टेल मी वॉट इज दिस जेफ ऑफ एक्स प्लस सॉरी नॉट जेफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एन वॉट इज गोइंग टू बी गाइड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्सप्रेस एन इज गोइंग टू बी वॉट इज गोइंग टू बी वॉट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन अगर एन इंटीरियर है मेरे बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एन इज गोइंग टू बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आई थिंक ये सब लोगों को पता लग जाना चाहिए बिकॉज इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं आज भी कर चुके हैं लास्ट टाइम मैंने प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट क्लास के अंदर जिफ के अंदर सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ जिफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्सप्रेस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर एक्स अगर एंड इंटीजर है भाई वही देखना है यहां पर सिर्फ इस पोर्शन को लो सो दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन टू थाउजेंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन टू थाउजेंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस थ्री अपॉन टू थाउजेंड एंड सो ऑन एंड दिस गोज ऑन गाइड ये आगे चलता रहेगा अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस टू थाउजेंड अपॉन टू थाउजेंड कैन दैट दिस इज सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन टू थाउजेंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन टू थाउजेंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन टू थाउजेंड अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन टू थाउजेंड हो गया बच्चे अगर ये है तो बोल सकते हो ये 2000 टर्म्स हैं है दीज आर 2000 टर्म्स बिकॉज आर वेज फ्रॉम 1 टू 2000 सो दिस विल बी

जेफ ऑफ वन बाय टू प्लस जेफा ऑफ टू बाय टू प्लस जेफा वन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री प्लस थ्री बाय थ्री प्लस जेफा वन बाय फोर प्लस टू बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर प्लस फोर बाय फोर प्लस जिफा वन बाय फाइव प्लस टू बाय फाइव प्लस थ्री बाय फाइव प्लस फोर बाय फाइव प्लस फाइव बाई फाइव एंड सोन अपू टू थाउजेंड एंड थर्टीन थर्म निकाल कि ये सम कितना होगा ये सम कितना होगा दिस इज द क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन कैन यू थिंक अबाउट इट कैन यू थिंक अबाउट इट इज इट पॉसिबल दैट देर इज फ्रैशनल पार्ट ऑफ इन्फिनिटी बचे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इन्फिनिटी विल एक्चुअली भी नॉट डिफाइन बिकॉज इन्फिनिटी इज एक्चुअली कितना बड़ा है पता नहीं ना किसी को तो फ्रैशनल पार्ट ऑफ इन्फिनिटी कितना होगा अगर इन्फिनिटी इंटीजियर है तो फ्रैशनल पार्ट ऑबियसली जीरो होगा अगर नॉन इंटीजियर है तो वो जीरो से वन के बीच में होगा बट कितना होगा दिस कैनॉट बी टोल्ड उसको हम बता नहीं सकते फर्स्ट ऑफ ऑल डेड यू ऑल अंडरस्टैंड दीरीज के सीरीज क्या है जे फॉर वन बाय वन प्लस जिफा वन बाय टू प्लस टू बाय टू प्लस वन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री प्लस थ्री बाय थ्री प्लस वन बाय फोर प्लस टू बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर प्लस फोर बाय फोर एंड सोन वन बाय फाइव प्लस टू बाय फाइव प्लस थ्री बाय फाइव प्लस फोर बाय फाइव प्लस फाइव बाय फाइव फिर वन बाय सिक्स स्टार्ट हो जाएगा सो भैया इसका सम निकालना है दो हजार थर्टीन टर्म तक टू थाउजेंड थर्टीन टर्म तक तो यहां पर देखते हैं भैया हो क्या रहा है वॉट इज हैपनिंग वॉट इज हैपनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला वैल्यू तो वन तो है दिस इज गोइंग टू बी वन दिस इज गोइंग टू बी वन दिस इज गोइंग टू बी जीरो

डिनोमिनेटर फाइव होगा तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली पांच टर्म्स होंगी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ऑब्जर्वेशन अगेन हर डिनोमिनेटर के कॉरेस्पॉन्डिंगली कहना से आई विल गेट एग्जैक्टली वन वन तो अगर यहां पे दो टर्म्स भी है मुझे एग्जैक्टली exactly वन मिल रहा है इनसे तीन टर्म्स हैं एक्सैक्टली वन मिल रहा है चार टर्म्स हैं एग्जैक्टली वन मिल रहा है पांच टर्म्स टर्मस एग्जैक्टली वन यहां पे एक ही टर्म थी बेचारे ने इकलौता होता वन दे दिया गॉट इट सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट वी नीड टू मेक फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन लाइक दिस सो so डिनोमिनेटर पहला ऑब्जर्वेशन जितना डिनोमिनेटर उतनी टर्म्स उतनी नंबर ऑफ टर्म्स डिनोमिनेटर टू तो दो टर्म्स डिनोमिनेटर थ्री तो तीन टर्म्स डिनोमिनेटर चार मेरे बच्चों तो चार टर्म्स डिनोमिनेटर अगर एक ही है तो एक ही टर्म होगा देर विल बी ओनली वन सिंगल टर्म नंबर वन नंबर टू डिनोमिनेटर टू की जितने भी टर्म्स है ना वो ओवरऑल मुझे प्लस वन देगी डिनोमिनेटर थ्री की चाहे तीन टर्म्स है मुझे प्लस वन मिलेगा डिनोमिनेटर चार की चार टर्म्स है तो मुझे

डिनोमिनेटर जितना है उतनी टर्म्स हैं। द सेकेंड वॉज हर डिनोमिनेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग ओवरऑल प्लस वन मिलने वाला है सो so, अल्टीमेटली मुझे करना क्या मुझे ये ढूंढना है कि 2013 के नीचे 2013 थाउजेंड जो टर्म है बच्चे उसके नीचे डिनोमिनेटर क्या आएगा वट विल बी द डिनोमिनेटर ऑफ टू थाउजेंड थर्टीन टर्म बिकॉज जो भी डिनोमिनेटर होगा वो उसके हिसाब से मेरा आंसर आ जाएगा ना हार्ड वे फाइन की टू थाउजेंडर्टीन टर्म का डिनोमिनेटर कितना होगा सो so, तो बताइए एक और चीज ऑब्जर्वेशन देखो दैट डिनोमिनेटर वन की एक ही टर्म है डिनोमिनेटर टू की दो ही टर्म्स हैं डिनोमिनेटर थ्री की तीन ही टर्म्स हैं डिनोमिनेटर की चार ही टर्म्स हैं तो बोल सकता हूं कि अगर डिनोमिनेटर के है तो यहां तक का सम दो हजार थर्टीन होना चाहिए यहां तक का सम दो हजार थर्टीन होना चाहिए तो ये फाइन निकाल लेते हैं कि ये चीज क्या है डिनोमिनेटर अगर के है तो ये तक का 2013 होना चाहिए सो so, कहना से के k टू के प्लस वन अपॉन टू इज टू सो भैया के इन टू के प्लस वन इज गोइंग टू बी फोर जीरो टू सिक्स चार हजार छब्बीस अब समझो या तो क्वारटिक इधर क्वारिटिक या तो क्वारटिक निकालो के स्क्वायर के स्कवायर प्लस के माइनस फोर जीरो टू सिक्स इज इक्वल टू जीरो and find the values of k using quadratic formula.